नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्समैन क्रीम के बारे में। क्या ये क्रीम आपको सच में कोहरा बनाती है या नहीं बनाती है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये कंपनी जो और ये क्रीम है क्या क्या दावा करती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़े पास से। तो भाई सबसे पहला ये दावा करती है कि ये डार्क स्पॉट को कम करती है। दूसरा इसका जो दावा है लॉन्ग लास्टिंग फेयरनेस क्रीम का, और मतलब फेयरनेस का। और तीसरा जो है ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर देने का, और चौथा जो है वो सन प्रोटेक्शन देने का, और पांचवा जो है इंस्टेंट फेयरनेस। तो भाई इसमें से इसके हम दावों को खारिज करेंगे, डार्क स्पॉट रिडक्शन को, मतलब ये डार्क स्पॉट को ज़्यादा कम नहीं करती है। छोटे मोटे अगर दाग धब्बे रहते हैं तो उनको थोड़ा बहुत कम कर देती है गाइस, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट है तो उनको बिल्कुल भी कम नहीं करेगी। और बात करते हैं लॉन्ग लास्टिंग फेयरनेस, तो ये जी हाँ आपको फेयरनेस तो देती है, मतलब 2-3 घंटे तक आपको गोरा बनाए रखती है। और तीसरी बात करते हैं तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर भी अगर आपको देती है, मतलब अगर आपकी स्किन ऑयली बहुत ज़्यादा है और आप इस क्रीम को यूज़ करते हो करोगे तो आपके फेस पर ज़्यादा ऑयल नहीं आएगा, ठीक है। सन से प्रोटेक्शन इतना ज़्यादा नहीं देती है क्योंकि SPF इसमें 15 में लगाया गया है, जो कि बिल्कुल भी सन से प्रोटेक्ट ज़्यादा नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इंस्टेंट वाइटनिंग, तो बिल्कुल आपको फेयरनेस देती है, तो इंस्टेंट वाइटनिंग भी आपको देती है, अपने फेस को थोड़ा गोरा बनाती है, ठीक है गाइस। ये तो होगा इसके दावे। अब इसका प्राइस हम एक बार देख लेते हैं गाइस। इसका प्राइस है 25 रुपीज़, ठीक है। 15 ग्राम के आसपास की ये क्रीम है, एक बार आपको जूम करके बता देते हैं। तो हाँ ये 15 ग्राम ही है, ठीक है, 15 ग्राम की ये क्रीम है। प्राइस 25 रुपये है। अगर आप इस क्रीम को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये आपको इजली स्टोर पर मिल जाएगी, जनरल स्टोर जो होते हैं उन पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपकी स्किन ऑयली बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार इस क्रीम को यूज़ कर देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।